नमस्कार, मैं बबलू यादव और आप देख रहे हैं अरुणोदय समाचार। इस वक्त मौजूद हैं हम अटल की पैतृक स्थली बटेश्वर में, जहां उनके परिजन उनकी जन्म जयंती पर परंपरागत हवन यज्ञ करते आए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बबूल के अलावा और कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर झाड़ू न लगा है, न मिट्टी उठाई गई है। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं। किसकी पुण्यतिथि है पर? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म दिवस के मौके पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो आज इस संसार में नहीं है तो परमपिता परमात्मा और हमारी ये कुलदेवी है, उनसे हम सब लोगों ने एक ही प्रार्थना की है कि जहाँ भी रहें पृथ्वी पर यशस्वी बने, उन्हें इस संसार में आए और अपने इस संसार का और भारतवर्ष के लिए नई प्रेरणा का सेत सभी को देते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी आ रहे हैं, आज कुछ कहना है आपसे? देखिए, योगी जी से हमारा यही है कि इस क्षेत्र का समुचित विकास के लिए जितना भी उनसे धन आवंटित हो सके वो अधिक से अधिक इस क्षेत्र के विकास के लिए धन का समायोजन कराएं और विकास की गंगा यहाँ बहा दें। सबसे ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके बाद विद्यालय नहीं है। उससे पहले अस्थि विसर्जन के टाइम जो घोषणा की थी उन्होंने कि हम जो है यहाँ कन्या विद्यालय डिग्री कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चला गया। और यहाँ जो भी घोषणा होती है वो मतलब धरातल पर नहीं हो आ पाती, सब इधर उधर चली जाती हैं। और यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे जो विधायक जी है, सांसद जी है, वो कहते हैं कि जो है ये कोई बटेसों के लिए अकेले के लिए नहीं आई है, ये पूरी तहसील के लिए आई है, पूरी विधानसभा के लिए आई, कहीं भी बन सकता है अटल जी के नाम से, लेकिन ये क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा ही बना रहा। तो आज आए हैं तो आज उनसे आपको कोई शिकायत है? नहीं, शिकायत तो मैं बहुत है, लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं है कि मतलब कुछ हो भी जाएगा यहाँ पर। ये बटेश्वर है और ये आज भी बदहाली के आंसू रो रही है, क्योंकि यहाँ तमाम घोषणाओं के बाद भी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ जो अटल जी का विद्यालय था वो यह कहकर यहाँ से टाल दिया गया कि यहाँ ज़मीन नहीं है। वह विद्यालय आज भी प्रक्रिया में चल रहा है। हमें योगी जी के लिए हम ये कहेंगे कि उन्होंने हमें दूसरा विद्यालय दिया, उसके बावजूद भी हमें वो विद्यालय मिलता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं हुई थी अटल जी का, तुलसी घाट, जंगलात की कोठी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो म्यूज़ियम बनना था और महाविद्यालय बनना था, इस तरह की तमाम घोषणाएं थी जिसमें से सिर्फ अटल संकुल केंद्र छोड़कर बाकी किसी भी परियोजना पर किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। और ये इतनी घोषणा होने के बाद भी यहाँ पर बीजेपी की छवि क्यों खराब हो रही है, क्यों वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इस पे योगी जी को ध्यान देने की विशेष जरूरत है। संदेश सिर्फ योगी जी के लिए यही है कि उनकी तमाम घोषणाओं के बाद भी यहाँ पर कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन बीजेपी की छवि को खराब कर रहा है, उस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम गंधद्वारं त्रालर्पणं नतपुष्टं करि सरि ईश्वरि सर्वभूतानां तं जीवं बहुपरि सर्वचरान्ते स्वस्ति लालवान रख लो बाल्यादीन सुगंधिनी मालित्या अरे हाथ में दे दो ना ग्वालित पद गंगा बाबा हे वशोम माम जात करो तमातम जात करो तम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि यत कशना सत समस्त भद्रकाम काम पीडवासिनी स्वाहा। ओम संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। ओम नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्य नमः नमः प्रगत भद्राय नयता प्रताम स्मृताम स्वाहा। हरि ओम ओम सर्व मंगल मांगल्ये तवे सर्वात् साधिके सन्ले त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।